थ्योरम 5. इफ m ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू एफ एस देन m f ऑफ x की पावर a इज इक्वल टू 1 अपॉन a f s अपॉन a. जितनी x की पावर होगी वो क्या बन जाएगा 1 अपॉन a, f के अंदर क्या आ जाएगा s अपॉन a. जैसे अगर यहाँ पे x की पावर a f ऑफ x आता था तो क्या आंसर आता था f s प्लस जो हमारा ऊपर पावर है a. ऐसे अगर ओनली a हुआ तो क्या लिखेंगे s अपॉन a 1 अपॉन a. देन इसको स्टार्ट करते हैं. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से कोई भी थ्योरम देख सकते हो. और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे जो सेकंड चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर देना. देन लेफ्ट हैंड साइड हमने स्टार्ट कर दी 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स. फिर उसके बाद क्या आता था एक्स की पावर एस माइनस एक्स डी एक्स. ये हमारी डेफिनेशन बन गई मीलियन की. यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की पावर ए. देन इसको सॉल्व करने के लिए जो अंदर वाली टर्म है उसको पुट कर लिया वाई. देन एक्स किसके इक्वल आ गया वाई की पावर 1 माइनस 1 अपॉन ए. ये कैसे बना बाय जैसे यहाँ पे देखो ए है तो उधर जाके क्या बन जाएगा 1 अपॉन ए. या आप बोल सकते हो पावर्स को 1 अपॉन ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ए के साथ ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे बन गया 1 अपॉन ए. तो इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए वाई की पावर 1 अपॉन ए माइनस 1 डी वाई. देन लिमिट्स भी फाइंड कर ली हमने. अगर एक्स जीरो है तो वाई भी जीरो, अगर एक्स इन्फिनिटी है तो वाई भी इन्फिनिटी. 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ वाई, वाई की पावर क्या आ जाएगा एस माइनस 1 अपॉन ए. देन 1 अपॉन ए जो हमारी dx की वैल्यू है वो हमने सारी पुट कर दी 1 अपॉन ए वाई की पावर 1 अपॉन ए माइनस 1 डी वाई. तो यहाँ पे हमने पुट कर दी 1 अपॉन ए बाहर निकल गया. 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स वाई की पावर एस माइनस 1 माइनस 1 डी वाई. ये कैसे है इसको ओपन करके अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी हमारी. तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा एस अपॉन ए. ये देखो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई की पावर एस, इसको सेपरेट कर देते हैं एस अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए. देन ये भी पावर्स ऐड हो जाएंगी प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1. तो इसके साथ ये टर्म कैंसिल तो क्या बच गया वाई की पावर एस अपॉन ए माइनस 1. तो ये डेफिनेशन बन गई हमारी मिलियन की. तो क्या आ गया एफ ऑफ जो वाई की पावर है एस अपॉन ए, क्योंकि अगर एक्स की पावर कुछ भी होती थी एस माइनस 1 होती तो वही एफ ऑफ एस आ जाता था. ये देखो अगर x की पावर s माइनस 1 है तो यहाँ पे s आएगा, अगर यहाँ पे s अपॉन a है तो s अपॉन a आ जाएगा. साथ में क्या होगा फंक्शन f ऑफ x डी एक्स. सिमिलरली यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो क्या आ गया y y y डी वाई. उसके बाद जो y x की पावर होती थी दैट मीन्स y की पावर क्या आ रही है यहाँ पे s अपॉन a आ रही है, इसीलिए अंदर क्या आएगा एस अपॉन ए और जो 1 अपॉन ए है वो एज इट इज. तो हमारा ये राइट हैंड साइड प्रूव होगी दैट मीन्स एफ एम एफ ऑफ ए की सॉरी एक्स की पावर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस अपॉन ए. थैंक यू.